हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आई डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम मंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुछ लेटेस्ट एवं महत्वपूर्ण केस लॉज को देखेंगे जो कि बिहार एपीओ एवं जुडिशरी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एलएलएम एवं एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम और समकक्ष परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंत में मिल जाएगी। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एवं इम्पोर्टेंट केस लॉज को। फर्स्ट केस लॉ है आपका जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ, 2018 का मामला है। उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया है कि राज्यक्रम अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 असंवैधानिक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21 का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता जोसेफ साइन ने 157 वर्ष पुराने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 की वैधता को चुनौती दी थी। अब राज्यक्रम अपराध नहीं है। नेक्स्ट केस है आपका नवजीत सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ, 2018 का मामला। इसमें 370 की प्राकृतिक मैथुन को निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन माना गया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश की पीठ ने निर्णय दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 370 अप्राकृतिक मैथुन भारत के संविधान का उल्लंघन है। ये निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। इससे अनुच्छेद 14, 15, 19 व 21 का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट केस ला है आपका न्यायमूर्ति के एस पुत्ता स्वामी सेवानिवृत्त न्यायाधीश बनाम भारत संघ, 2017 का मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा निर्णय दिया गया है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुरक्षित है। नेक्स्ट केस ला है आपका राजेश शर्मा बाने बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बाने, 2017 का मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए दिशा निर्देशों को जारी किया है। न्यायालय ने कहा है कि धारा 498A को कानून में पति या उसके रिश्तेदार द्वारा पत्नी के खिलाफ क्रूरता का दंड देने की प्रशंसनीय वस्तु के साथ डाला गया था, खासकर जब पत्नी के खिलाफ ऐसी क्रूरता की वजह से आत्महत्या या हत्या की संभावना हो। किंतु ये गंभीर चिंता का विषय है कि विवाहित महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए धारा 498A के तहत बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए हमारा विचार है कि न्यायालयों के प्रशासन में नागरिक रूप से समाज की भागीदारी हो सकती है। नेक्स्ट केस है आपका नेपुर बनाम भारत संघ, 2017 का मामला है। इसमें निर्धारित किया गया था कि बलात्कार के मामलों में पीड़िता की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा, जो कि धारा आईपीसी की 228A के अंतर्गत। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि बलात्कार के मामलों में पीड़िता की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा। जिसने किसी नवजात शिशु को जन्म दिया है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी पीड़िता की पहचान को उजागर करता है तो न्यायालय की अवमानना का सामना करना पड़ेगा और उसका अभियोजन भी धारा 228A के तहत भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार चलेगा। नेक्स्ट केस लॉ है आपका इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ, 2017 का मामला है। इसमें निर्धारित किया गया है कि नाबालिग जो कि 18 साल से कम की पत्नी के साथ भी लैंगिक संभोग बलात्कार होगा, यदि कोई भी पुरुष जिसकी शादी ऐसी महिला से हुई है जो कि 18 साल से कम है, अगर वो ऐसी पत्नी के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसके साथ लैंगिक संभोग करता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 जो कि बलात्कार को परिभाषित करती है के अपवाद दो को पढ़ा, जैसा कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित, जिसमें इस तरह के यौन कृत्य की अनुमति थी। इस 2013 से पहले धारा 375 में 15 वर्ष तक की कम महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने पर पति के द्वारा बलात्कार होता था, परंतु 2013 के बाद 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ संभोग जो कि कोई भी पति यदि उसकी पत्नी 18 वर्ष से कम है उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। न्यायालय ने धारा 375 जो कि बलात्कार को परिभाषित करती है के अपवाद दो को पढ़ा, जैसा कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित, जिसमें इस तरह के यौन कृत्य की अनुमति थी। इन मामलों में सहमति की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट केस लॉ है आपका पवन कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 2017 का मामला है। मानव को प्रेम और अस्वीकार का अधिकार होगा। कोई भी पुरुष चाहे महिला अपनी पसंद से प्रेम को स्वीकार करने और स्वीकार करने का अधिकार है। देखते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक व्यक्ति को यह सोचने और विवश करने के लिए मजबूर किया जाता है कि इस देश में महिलाओं को शांति से रहने और एक ऐसा जीवन जीने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है जो कि एक गरिमा और स्वतंत्रता के साथ सशक्त है। ये ध्यान में रखना है कि उसे जीवन का अधिकार है और अपनी पसंद के अधिकार प्यार का हकदार भी है।
उसके पास एक व्यक्तिगत पसंद है जिससे कि कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। इसका सामाजिक सम्मान करना होगा। औरत को प्यार करने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता है, उसे अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट केस ला है आपका KLNB बिरजेउल बनाम भारत संघ 2017 का मामला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर लेखक के पास मौलिक रूप से विचारों को बोलने व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है और वे बहुत ही सरलता से विचार व्यक्त कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने प्रोफेसर कांचा इलैया के लिए लिखी गई पुस्तक सामाजिक स्मलगुरुलु कोमा टोलू पर प्रतिबंध लगाने की याचिका को खारिज कर दिया, ये कहकर कि हर लेखक को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है जो कि उनका एक मौलिक अधिकार है। इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आसू बनाम राजस्थान राज्य 2017 का मामला है, भी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें जमानत की याचिका को निपटाने का प्रस्ताव के बारे में निर्देश दिए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों को एक सप्ताह के भीतर जमानत की दलीलों को निपटाने के लिए निर्देश दिया, साथ ही आपराधिक मामलों के लंबित पेंडेंसी मामलों में को भी निपटाने का निर्देश जारी किया है और ये कहा है कि त्वरित विचारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत उचित एवं निष्पक्ष और न्याय संगत प्रक्रिया का एक हिस्सा है। नेक्स्ट केसला है आपका कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस बिहार राज्य 2017 का मामला, ये वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें विधानमंडल से पहले अध्यादेश रखने के बारे में प्रावधान किया बारे में बताया गया है कि संविधान पर फिर से बाधा खिलाफी। न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यादेश जारी करते समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुच्छेद 213 के तहत संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से प्रतीक्षा नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ लेटेस्ट एवं इम्पोर्टेंट केस लॉज को संक्षेप में अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें और PDF को डाउनलोड कर 2 से 3 बार देखें जिससे कि आपको सभी केस लॉज याद हो जाएं, क्योंकि सभी केस लॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तो देखते रहिए अपने फेवरेट YouTube चैनल सिव स्टूडियो ऑफ लॉ को और जानते रहिए अपने देश के कानून को। तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।